प्याज के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में प्याज का दाम घटने लगा है। ऐसे में उम्मीद है कि उपभोक्ताओं को महंगे प्याज से जल्द ही राहत मिलेगी। एशिया की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में 26 अक्टूबर को इसका न्यूनतम दाम 851 अधिकतम 3231 रुपये पर आ गया, जबकि मॉडल प्राइस 2750 रुपये प्रति क्विंटल रहा। बताया जा रहा है कि व्यापारियों के यहाँ ताबड़तोड़ पड़े आयकर विभाग के छापों की वजह से ऐसा हुआ है। जो भी कारण हो, लेकिन इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इस समय रिटेल में प्याज का दाम कई जगहों पर 60 रुपये किलो तक पहुँच गया था। उधर पिंपलगांव मार्केट में मंगलवार 26 अक्टूबर को प्याज का न्यूनतम दाम 1500 अधिकतम 3581 एवं मॉडल प्राइस 2851 रुपये प्रति क्विंटल रहा। इसी प्रकार विंचूर में न्यूनतम भाव 1000 अधिकतम 3201 और मॉडल प्राइस 2750 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि निफाड में प्याज का मॉडल प्राइस 2750 रुपये रहा। यहाँ न्यूनतम दाम 1100 जबकि अधिकतम 3060 रुपये क्विंटल था। आपको बता दें कि देश के कुल प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी लगभग 40% की है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के लासलगांव में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि किसी भी कृषि उत्पाद का दाम मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। आवक बढ़ती है तो दाम नरम हो जाता है और जब बढ़ती है तो दाम में तेजी दिखती है। हालांकि अभी दाम में जो कमी आई है वह ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगी, क्योंकि किसानों के पास पुराना प्याज पहले जितना नहीं रह गया है। बारिश और बाढ़ की वजह से कई जिलों में अप्रैल मई की स्टोर करके रखी गई प्याज सड़ गई है। इस साल मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड, औरंगाबाद, उस्मानाबाद और लातूर आदि में रखी गई प्याज भीग गई है या उसमें नमी आई है। नासिक, अहमदनगर, धुले, सोलापुर और जलगांव में भी काफ़ी किसानों की प्याज सड़ गई है, जिसकी वजह से कुछ ही दिन बाद दाम में तेजी देखने को मिलेगी। किसान संगठन 30 रुपये प्रति किलो के दाम की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एग्री इनपुट की महंगाई की वजह से लागत ही 17 से 18 रुपये प्रति किलो तक आने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।